चुनाव से पहले रविंद्र भाटी की चुनौती। रविंद्र भाटी ने बीजेपी को दे डाली कड़ी चुनौती। चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है भाटी। बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी ने कैलाश चौधरी को बनाया है उम्मीदवार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट भी हॉट सीटों में से एक है। इस सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा और वो भी जीत के भरोसे। इसके साथ ही कैलाश चौधरी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अभी माना जाए तो शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी को माना जाएगा। क्यों कह रहे हैं ऐसा, हम वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये वही रविंद्र भाटी है जिसने विधानसभा चुनावों में शिव से बीजेपी प्रत्याशी को पानी पिला दिया था और शानदार जीत हासिल की। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान सीधे सीधे बीजेपी को होगा। भाटी के लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया। इस टेंशन को बढ़ाने के लिए भाटी ने एक यात्रा का आगाज भी किया। लोकसभा चुनाव भाटी निर्दलीय लड़ेंगे, ऐसी खबरें सुनते ही बीजेपी के हाथ पैर फूल गए। लेकिन अब मोदी शाह भी कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी से सुलह करने की रविंद्र भाटी ने बेहद कोशिशें की थी, लेकिन बीजेपी ने ही अपने पैर पीछे खींच लिए थे, जिसके बाद अब रविंद्र सिंह भाटी मुखर हो गए और सारा खेल समझ चुके हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में भाटी काफी लोकप्रिय है, उनका काफी दबदबा है, युवाओं से लेकर महिलाएं तक में उनके लिए काफी क्रेज है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाटी का चुनाव लड़ना बीजेपी को सबसे ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज करेगा। दूसरी तरफ भाटी भी ये संदेश दे रहे हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में भाटी का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि इस बयान के दौरान ही उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लेने का संकेत दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको वो भी विस्तार से बताते हैं। भाटी ने कहा, पहले मैं सिर्फ दुधोड़ा परिवार का सदस्य था, लेकिन अब जनता मेरा परिवार है। जो जनता का आदेश होगा वही करूंगा। इस बार जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, ऐतिहासिक होगा और बहुत कुछ चीजें नई आएंगी, भचीड़ बुला देंगे। वही रविंद्र सिंह भाटी ने 11 मार्च से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा की देव दर्शन यात्रा की शुरुआत की। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने देव दर्शन यात्रा शुरू करने जा रहे भाटी ने इस यात्रा को लेकर बताया कि मैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात करूंगा, राय लूंगा और उसके बाद फैसला लूंगा। हालांकि भाटी ने चुनाव लड़ने को लेकर साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन चुनाव लड़ने के संकेत जरूर दिए होंगे। आपने गौर किया कि भाटी ने कहा कि कोई अच्छा फैसला लेंगे, अब जनता के लिए इससे अच्छा फैसला क्या होगा कि भाटी राजस्थान से सीधा दिल्ली तक पहुंच जाए और वहां जाकर राजस्थान की समस्याओं को उठाए। खैर, बीजेपी को सबक सिखाना भी जरूरी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त भाटी की आस को बीजेपी ने ही तोड़ा था। उसके बाद भी भाटी ने बड़ा दिल दिखाया और हाथ मिलाना चाहा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी और अब भाटी पूरे तरीके से बीजेपी को बैकफुट में लाने की कोशिश में है। उनके समर्थकों ने कई बार दावे किए हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में भाटी बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और जीते भी। चुनाव के बाद उन्होंने बीजेपी से जुड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई सार्थक पहल नहीं हुई, जिसके बाद जानकारों का कहना है कि भाटी बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन अब भाटी सीधे सीधे मैसेज दे रहे हैं कि वो बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार है। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या इन लोकसभा चुनावों में भाटी जीतेंगे? और जिस तरीके से रविंद्र भाटी ने सीधे सीधे बीजेपी को चैलेंज किया है, इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।